ओके सो तुम लोग बोल रहे थे भाई तुम हिप-हॉप के रिएक्शन नहीं लेके आ रहे हो, सो आई एम बैक विद अ हिप-हॉप रिएक्शन V10 गली सड़क फ्री वर्स एंड फ्री स्टाइल में V10 का फ्री स्टाइल है ये, वी आर रिएक्टिंग टुडे इज ऑन V10 फ्री स्टाइल, ठीक है? हिप-हॉप के फैंस सारे आ जाओ, सारे आ जाओ, सारे आ जाओ। हेलो एवरीवन, स्वागत आप लोगों का मेरे चैनल का नाम है रैप वॉच रिकॉर्ड्स एंड मेरा नाम वरुण कुमार है, मैं एक रैपर और म्यूजिक प्रोड्यूसर हूं। आप इस चैनल पे नए हो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो, क्योंकि मैं कंटेंट चैनल पे रेगुलर डालता रहता हूं। अगर तुम्हें म्यूजिक प्रोडक्शन में कोर्स ज्वाइन करना है, तुम्हें अपने गाने मिक्स करवाने हैं, मास्टर करवाने हैं, नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, चेक करो, स्टैम पे डीएम करो, स्टैम पे फॉलो करना है कर लो फॉलो, ठीक है? फ्री में फॉलो होता है, पैसे वैसे नहीं लगते फॉलो करने के, सारा लिंक डिस्क्रिप्शन में। तुम्हें अगर तुम्हें डीएम करना है डीएम करो, मुझसे बात करना है बात कर लो, तुम्हें फेवरेट आर्टिस्ट गाने रिकमेंड करने हैं वो कर सकते हो, फॉलो कर लो, ठीक है? कमिंग बैक टू द वीडियो V10 गली सड़क, सो V10 के मैंने बहुत सारे गाने सुने, V10 इज लाइक वन ऑफ माय फेवरेट रैपर फ्रॉम नेपाल। मैंने कथा सुना है, दैट इज अ लिरिकल ट्रैक, भाई बहुत इनसेन ट्रैक है। मैंने यात्रा सुना है, यात्रा इज लाइक अ मेलोडिक ट्रैक, सो मुझे पता नहीं था वो फ्री स्टाइल भी करते हैं। लेट्स हियर हिज फ्री स्टाइल, फाइंड आउट इट्स इज गुड और नॉट, लेट्स गो। बीच या व्हाट्स अप सब जो गर्नु खोज्छ यहाँ राम्रो काम त्यही नर्को जान्छ, मेरो बानी बेहोराले यहाँ सब कुरा फरक पार्छ। जब हान्न थाल्छु ऱ्याप एक्कासी रगत तात्छ, किनकि मेरो कहानीको सुरुवात भयो गल्ली र सडकबाट। ओके, कि कहानीको सुरुवात कहाँ से हुई? गली की सडक से हुई। और एक बात बताना मुझे, इज दिस अ रिटन वर्स, वो फ्री वहां पे फ्री स्टाइल कर रहे हैं या फिर ऑन द स्पॉट ही इज डूइंग फ्री स्टाइल? ये माइक सेम है क्या? आई डोंट नो, पता नहीं, मे बी हो सकता है। सो प्लीज मुझे कमेंट में बताना, लाइक मैंने एक डिवाइन का फ्री स्टाइल चेक करा था BBC एशिया नेटवर्क पे, उन्होंने लाइक अपने गाने रिटन वर्स को फ्री स्टाइल बोल के स्पिट कर दिया था। सो आई डोंट वांट, यहां भी वो सीन चल रहा हो, ठीक है? चलो सुनते कहानी को शुरुआत भो गल्ली र सडक बाट कसैलाई। आई डोंट थिंक लाइक ही, आई थिंक ही इज डूइंग प्रॉपर फ्री स्टाइल, ठीक है? फिर भी तुम लोग कंफर्म कर देना एक बार कमेंट में, लेट्स गो। तत मागे न लागे म फरक बाटोमा, वांटेड मा छ रे मेरो नाम पत्रिकाले खबर छापे छ, त्यस्तो केही मतलब लागेन, हेर्दिन समाचार म, इन्काउन्टर हान्ने सोचिराछस् मुजी खबरदार, त इज्जत गर भेटलास फेरि, मेरो ग्याङ छ नेपाल भरि, त जस्तो होइन म हिँड्छु यहाँ सबैलाई राम्रो व्यवहार गरी, केडाहरू सब भेज्जा छ नि, मेरो ग्याङ छ नेपाल भरि, राई लिम्बु तामाङ मगर गुरुङ शेर्पा नेवार धरी। दिस इज रियल फ्री स्टाइल भाई, रियल फ्री स्टाइल। ये फ्री स्टाइल कर रहे हैं पैसा ही होता है, ठीक है? तुम हंसोगे बीच में, यू विल गेट आउट ऑफ ब्रेथ, सो दिस इज रियल फ्री स्टाइल आई गेस, लेट्स गो। म जादिन जेल, मलाई खेल्नु छैन त्यो कबड्डी सरकारी राजनीति खेल, हँ खाते म जादिन जेल, तेरो भ्रष्टाचारी दुई कौडीको कानूनलाई मान्दिन, हेर ये चुपचाप लागि बस्दिन म, पुगिसके मलाई मस्ती गर्न गाजा गोटी साथमा, रक्सी टन्न म त चार्जमा, हिँड्दै थिएँ अस्तिसम्म छक्कासँग, मस्ती गर्न हिँड्दै थिएँ गन्जेडी जङ्की तालमा, यस्तै हो खाते। So he's talking about his journey, like jail ke baare mein baat hua, ganjedi. So mujhe samajh aa raha hai lyrics, like I'm connecting, kyunki I think ye jail bhi ja chuke hai, some issues happened with him, aur bahut log isko inko MC Stan se bhi connect karte hain, MC Stan mein like India mein MC Stan ke saath jo cheeze ho rahi hai wo V10 ke saath Nepal mein ho rahi hai, aur people also compare him with Amir Avanta in terms of number. Amir Avanta is like highest subscribed YouTuber rapper in India, and he is like highest subscribed rapper in Nepal. त्यको परिभाषा म हल्लिँदै निस्किन्थे गल्लीबाट, सल्किरहेछ गाँजा र पोलेनको धुवाले दिमाग चल्दिरहेछ, भेज्जा साइको अति भाछ, ज्यान सुकेर जिउमा हड्डी मात्र, लगाएछ महँगो घडी हातमा, के बितिरहेछ घर परिवारमा केही थाहा छैन, त्यसैले दिक्क लाग्छ, मन लाग्दैन यो कुरा सम्झिराख्न, छोडिसके मैले गाँजा फुक्न गोटी च्याप्न, केडारले भन्छ तँलाई कसले खोजिरहेछ, ऱ्याप भन्छस् तर किन बेसी बोलिरहेछस्, हुस्कर केटा नत्र तैँले गोली खान्छस्, है अपराधी सरकारले पाल्या छ, भात खुवाउँदै मजाले राख्या छ, बिग्रेको समाजको दोष मेरो टाउकोमा खनाउँदै हाल्या छ, के गर्न खोजेको थाहा छैन, जेल हाल्छ मलाई समातेर, के फाइदा छ र मलाई यहाँनिर, बिग्रिसकेको यो समाज बिगारेर मेरो टाउकोमा लाग्या छ 10 केस, मलाई मन पर्दैन त्यो गाडा निलो कलरको ड्रेस, मेरो जिन्दगी खाते जस्तो भाँच्छ, सक्छस् भने मुझी हेर, आफ्नै घरमा डर लाग्छ आजकल समस्या हुँदैछ धेर, अपने घर में डर लगता है क्योंकि आजकल समस्या हो चुकी ढेर, समस्या हो चुकी ढेर, वो मुझे समझ नहीं आया, पर स्टिल आई एम गेटिंग लॉट्स ऑफ वर्ड भाई, लिरिक्स इज लाइक भाई ऐसा लग रहा है ना इन्होंने रिटन कहीं लिख लिया है उसको याद करके इज स्पिटिंग, पर आई थिंक दिस इज अ फ्री स्टाइल, प्रॉपर फ्री स्टाइल, लेट्स गो।
अघि कति जस्तो भाचा सक्छस् भने मुजी हेर आफ्नै घरमा डर लाग्छ आजकल समस्या हुँदैछ धेर हेर सपनाहरू धेरै छ नि जान दिन हुन्न खेरे पनि काम छैन यहाँ लाटा जस्तो टल्ल पर्दै हेरेर नि पछस् लक्ष्यको धेरै नजिक हुनेछ अवश्य तेरो नै जित ताइहरूले के गरेर छ भाइ त्यो इतिहासलाई त हेरेर सिक जो गर्न खोज्छ यहाँ राम्रो काम त्यही नर्क जान्छ मेरो बानी बेहोराले यहाँ सब कुरा फरक पार्छ अपराधी हिँड्छ खुले आम यहाँ बलात्कार छ मेरो कहानीको सुरुवात भयो गल्ली र सडकबाट मदरफकर्स बहुत सही ये रुकोस ए ए ए वाओ 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 यो केटा छाडा यो केटा छाडा तँलाई के थाहा साला हँ तँलाई के थाहा साला मुजी मेरो मेरो भेजा पारा अच्छा हँ हँ तँलाई के थाहा साला यो केटा छाडा तँलाई के थाहा साला यस्तै छ यो मेरो भेजा पारा ए के छ तँ पनि देखा साला तेरो छम्मा रेखा थापा चाहिँदैन त्यस्तो मुजी भेडा बाख्रा ए आफ्नै पारामा बस्छु म आफ्नै पारामा बस्दछु आफ्नै पारामा मस्त छु जेसुकै भन ताल मलाई आफ्नै पारामा बस्दछु यस्तै छ यस्तै बित्छ यस्तै छ यस्तै सिक्छ जे देखायो त्यही कुरा बिक्छ त्यस्तै मुजी छुजी बाल छैन ठिक छ ए यत्रो हल्ला गयो तैँले बुझिस के के को जरुरी बुझ्न पनि छैन त्यहाँ जरुरी बरु त्यो बुझ्नको साटो चाहियो मलाई तरुनी ओके त्यो तरुनीसँग बाँच्छु कि मरु कि जेसुकै घर त्यसलाई गरे नै नगरे नै गरौँ कि This is Rupa's recap. Rupa say yes, so he's doing like funny rhymes or he's playing around. Okay, let's go. Jotma, mero freestyle. स्टुडियो देखि बुथ अनि रोडमा कारखाना चोकमा हामी चारजना रोडमा दामी हातमा छ भुड्का हानी ए ए कारखाना चोकमा वार्ता नरोक्न भइरहेछ मिटिङ तेरो दाई घिसिङ गो हेर मेरो फ्लो यस्तै हो ब्रो के गर्छस् यार के गर्छस् यार तयार हो भने आइज यहाँ यार जत्को मेरो फ्रिस्टाइल अनि एकछिन हानौँ न हानिराखौँ न ए एकछिन हानि राखौँ एकछिन हानि राखौँ फ्रिस्टाइल खालि त्यस्तै कुरा घुमेको कसले के यहाँ सुनेको कसले के छ बुझेको कसको चित्त दुखेको ओके दिस वाज इट दिस वाज वीडियो फ्रिस्टाइल और तुम लोगों ने मुझे बोला था एक बंदे ने कमेंट किया था मैंने पूछा था कौन से मैं सॉन्ग पे रिएक्ट करूँ तो उसने ये कमेंट किया सो दिस सीम्स इंटरेस्टिंग तो मैंने रिएक्ट कर दिया तो दिस वाज इट मुझे अच्छा लगा सुन के लिरिक्स आई गॉट लाइक 40-50% ऑफ लिरिक्स मुझे समझ आ गया व्हाट ही वाज टॉकिंग अबाउट कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ आ गया लिरिक्स वेर गुड भाई मैं कन्फ्यूज हो रहा था कि ये रिटर्न तो नहीं है कहीं पे लाइक इतनी अच्छी फ्लो जा रही थी इतनी स्मूथ फ्लो जा रही थी मैं कन्फ्यूज हो रहा था सो दिस वाज इट बीट इन गली सड़क फ्री वर्स फ्री स्टाइल नेपाली रैप ब्रेकडाउन बीट्स बाय यंग मेट्रो साउट आउट यंग मेट्रो बहुत सही बीट्स बनाया भाई ने और अगर तुम्हें और नेपाल रिएक्शन चाहिए नेपाल रिएक्शन चाहिए कमेंट करके बताओ चैनल पे नए आए हो पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई को सपोर्ट करो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो एंड थैंक्स अगेन लेट्स गो कैसा नशा तेरी यादों में मैं लापता कोकेन जैफी चढ़ती लत लगी है क्या पता साथ बिताए पल लबों पे जैफी पफ कीजिए कोसों में दूर फिर भी माइंड मेरा तेरे पीछे